हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द BGMI रिव्यू ऑफ मोटो H50 फ्यूजन। तो ये डिवाइस को मैंने 256 GB लगभग 23,000 के आसपास खरीदा है। तो इसका पहले हम गेम को ओपन करके देखते हैं परफॉर्मेंस कैसा है, अगर आप कौन सा सेटिंग मिलता है अगर आप गेम करते हो तो कैसा आपको एक्सपीरियंस रहेगा वो देखते हैं। एंड एक अच्छी बात अगर मैं आपको बता दूँ स्टार्टिंग में ही कि ये गेम जल्दी ओपन हो जाता है सबसे पहले चीज़, और दूसरी चीज़ है ना हीटिंग मैंने ज़्यादा नोटिस नहीं किया। अब मैं पता नहीं, मैंने थोड़ा बहुत गेमिंग किया है, मैं ऐसा नहीं कि दो दो घंटे लगातार खेला था तो, बट इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मुझे मिला है। पहले तो हम सेटिंग्स देख लेते हैं एक बार। तो सेटिंग्स आप देखोगे मैक्सिमम आपको मिलेगा, एक तो पहले स्मूथ एक्सट्रीम पे सेट है, अभी हम देखते हैं कि बैलेंस ऑब्वियसली रहता ही है। HD में 60 FPS मिलेगा और आई थिंक HDR में भी 60 FPS मिलेगा। लेट्स सी, ओके HDR में 60 FPS है जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। गेम प्ले से मैंने कुछ कुछ पार्ट्स जहाँ पे कोई एनिमी आया है वो मैं अभी कट करके डाला हूँ, और एक प्रॉब्लम बस सीधा कि मेरे को नया अकाउंट बनाना पड़ा, मेरे पुराने के पासवर्ड का कुछ इशू हो गया था। तो इसमें बॉट्स ही है वैसे, बट गेम प्ले के लिए काफ़ी है। थोड़ा आप डिफरेंस देख सकते हो, अगर आप हॉटस्पॉट में उतर रहे हो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आएगा, बट ओवरऑल मैं अगर बताऊँ इस प्राइस पॉइंट के लिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, बिकॉज मुझे हीटिंग कहीं नज़र नहीं आया। मतलब ये थोड़ा मतलब अलग एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैं इसके पहले स्नैपड्रैगन 888 और एजेंट 2 के साथ भी खेला हूँ S23 में, तो उसमें भी परफॉर्मेंस अच्छा है बट हल्का फुल्का हीटिंग तो होता ही, और 888 में तो बहुत ज़्यादा हीटिंग होता था, बट ये मुझे बिल्कुल हीट करते हुए नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है समर सीजन नहीं इसके लिए है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। और अगर मैं वर्डिक्ट की बात करूँ, HDR एक्सट्रीम में इतना अच्छा गेम प्ले विदाउट हीटिंग मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट किया नहीं था। तो मैं अगर ओवरऑल एक बोल दूँ कि मुझे काफ़ी अच्छा लगे गेम प्ले एंड बहुत अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज मेरा रिव्यू वीडियो में मैंने बोला था गेमिंग फ़ोन नहीं है, बट यहाँ गेमिंग के लिए बहुत अच्छा सा फ़ोन अभी मुझे लग रहा है।